चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड में डेंगू के प्रकोप की, जहां लगातार डेंगू का प्रकोप उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। देखिए लगातार सामने केस आ रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा केसेस की बात कर ली जाए तो कि देहरादून से आ रहे हैं। देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी कही जाती है और देहरादून में सबसे ज्यादा केसेस, जानकारी भी सामने आया कि 4 सितंबर तक की बात कर ली जाए तो 500 से भी ज्यादा जो मरीज है डेंगू के वो देहरादून से निकलकर सामने आए हैं। तो प्रदेश में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। लगातार डेंगू के प्रकोप बढ़ने से जो मरीजों के आंकड़े हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है, जहां स्वास्थ्य विभाग लगातार हालांकि प्रयास भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें आंकड़ों की बात कर ली जाए तो वहां पर भी लगातार जो मरीज है उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे सोनू लगातार जुड़े हुए हमारे साथ में। सोनू, उत्तराखंड में डेंगू एक बहुत बड़ी परेशानी लेकर आया है और यहाँ पर सबसे बड़ा कारण ये भी माना जा सकता है कि क्योंकि जब भी बारिश आती है तो उसके साथ में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी भी साथ लेकर आती है। फिलहाल अगर हम आंकड़ों की बात कर ली जाए तो 4 सितंबर तक 838 से भी ज्यादा मरीज मिले हैं और वहीं अगर हम देहरादून की बात कर ली जाए तो 506 मरीज यहाँ पर मिले हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की जो चिंता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए जिस तरह से डेंगू का कहर बढ़ रहा है, डेंगू के बढ़ते प्रकोप ने कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दिया और मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और ये मामला इतना गंभीर हो गया है कि सदन में भी ये पूरा का पूरा मामला गूंजा। विपक्ष के तमाम विधायकों ने सदन में स्वास्थ्य मंत्री से जवाब मांगा और मंत्री ने बताया कि किस तरह से सरकार और स्वास्थ्य विभाग जो है वो उसको गंभीरता से ले रहा है। नगर निगम के स्तर पर शुरुआती दौर में जरूर हम कह सकते हैं कि लापरवाही सामने आई, लेकिन जब ये पूरा का पूरा मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया, मुख्यमंत्री ने जैसे ही इसको गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को सतर्क रहने की दिशा निर्देश दिए और इसके लिए एक्शन लेने की बात कही तो तत्काल मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं और गढ़वाल क्षेत्र के जो कमिश्नर हैं विनय शंकर पांडे ने एक इसमें बैठक करी नगर निगम के और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ और सख्त हिदायत दी कि इस पर एक अभियान शुरू किया जाना चाहिए। प्लेट्स की कमी ना हो, दवाइयों की कमी ना हो, बेड्स की कमी ना हो, इस पर फोकस किया जाना चाहिए। चूंकि मामला सदन में भी चर्चाओं में रहा, लिहाजा अब सरकार ने इसमें प्लानिंग की है कि जो डेंगू के दूरस्थ क्षेत्रों में मरीज हैं उनको एयरलिफ्ट भी किया जाएगा, उनको बड़े अस्पतालों में एयरलिफ्ट करके पहुंचाया जाएगा और किसी भी स्तर पर कोई भी खामी ना रहे इस पर सरकार फोकस कर रही है। क्योंकि लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है तो ऐसे में बजट की कोई अड़चन सामने ना आए और जो डॉक्टर्स हैं उनको भी साफ तौर पर हिदायत दी है कि जो बेड्स हैं उनको आरक्षित रखा जाए और यहाँ तक कि अब स्वास्थ्य विभाग ने जो प्राइवेट सेक्टर के जो चिकित्सालय हैं उनमें भी बेड आरक्षित रखने की बात कही है। एक रोज पहले की अगर हम बात करें तो जिलाधिकारी देहरादून ने ही औचक निरीक्षण कई चिकित्सालयों में किया और उनको नोटिस भी दिए हैं और व्यवस्थाओं को बेहतर करने के साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए। तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि जिस स्तर पर डेंगू के प्रकोप को खत्म करने की कवायद शुरू की गई है, माना जा रहा है कि आने वाले समय में डेंगू को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाएगा। जी, तो प्रशासन अपनी ओर से और स्वास्थ्य विभाग अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जरूरत है कि जो लोग हैं वो डेंगू से जागरूक हो। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए लगातार मरीजों में इजाफा हो रहा है। हाल ही में ये जानकारी भी सामने आ रही है जहाँ देहरादून में 4 मरीजों की डेंगू से मौत हो गई है। तो ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है क्योंकि लगातार जो डेंगू का खतरा है वो बढ़ते जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सजग है। लेकिन यहाँ पर लोगों को जागरूक होने की भी जरूरत है। ऐसे में अनारी टीवी के माध्यम से हम आपसे अपील करते हैं कि आप भी सुरक्षित रहें। अगर आपके घर के आसपास अगर पानी इकट्ठा होता है तो पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि ऐसे में लगातार जो डेंगू के मच्छर होते हैं उनकी तादाद बढ़ती है और ऐसे में जो तमाम मरीज है उन्हें इससे काफी परेशानी होती है। तो डेंगू से बचने के लिए यहाँ पर जागरूक रहने की भी काफी ज्यादा जरूरत है।